हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8 की, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सबसे पहले क्वेश्चन यही उठ के आता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है क्या? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। मीन वो यंग वंस को अगेन बर्थ करता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप की है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो इसके अंदर दो टाइप की रिप्रोडक्शन हमारे पास डिस्कशन में है। तो दोनों टाइप में इसके अंदर अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी रिप्रोडक्शन होगी, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट, ओनली वन पेरेंट टेक पार्ट। सिंगल पेरेंट अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म पैदा कर देता है, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल की बात करें तो इसके अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, वन मेल होगा एंड वन फीमेल होगा। टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और उस रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए चलते हैं आगे चैप्टर के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, मतलब बर्थ करेगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, बिल्कुल कॉपी होगा अपने पेरेंट की, आइडेंटिकल टू पेरेंट। ठीक है, बट ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता। अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो डू ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट? कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है, रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो अपने पेरेंट की क्या एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? नहीं, ऐसा सिर्फ कौन सी रिप्रोडक्शन के अंदर होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा। ऐसा कौन सी रिप्रोडक्शन के अंदर होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा होगा कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोन भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोल देंगे? क्लोन। जो एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल बनेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनेगी, उसको हम क्लोन बोल देते हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ठीक है, जब सेल डिवाइडिंग होती है या डीएनए डिवाइडिंग होता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। जब ये डिवाइडिंग होते हैं या कॉपी करते हैं, डीएनए कॉपी होगा उस टाइम पे क्या होता है, डीएनए का कुछ एक पार्ट चेंज हो जाता है। एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता डीएनए बिल्कुल, जो डीएनए का कुछ एक पार्ट चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं डीएनए के अंदर क्या आ जाती है? वेरिएशन। कि डीएनए के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आ गई, कुछ एक अलग करेक्टर आ गई। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, हाफ डीएनए मेल से जाता है एंड हाफ डीएनए फीमेल से। हाफ डीएनए मेल का होगा, हाफ डीएनए फीमेल का होगा। जब दोनों डीएनए मिलते हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग करेक्टर होते हैं, तो उसके अंदर वैसे ही वेरिएशन आ जाती है। एंड डीएनए कॉपिंग के दौरान तो वेरिएशन आती ही आती है, जिसके कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। थोड़ी सिमिलरिटी होती है पर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। सो डीएनए कॉपी भी जरूरी है, क्योंकि जब सेल डिवाइडिंग होगी तो डीएनए कॉपी होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, उसके दौरान जो हमारी बॉडी को कवर अप करने के लिए सेल्स चाहिए, तो डीएनए कॉपी वेरी एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के बनने के लिए डीएनए कॉपी का बहुत बड़ा रोल है। तो जब हर एक टाइम पे डीएनए कॉपी करेगा, डीएनए कॉपी होगी हर एक टाइम पे, देन वर्ड्स हैपन क्या होगा इसके अंदर, एक छोटा सा वेरिएशन हर टाइम पे आ जाता है। मान लो ये डीएनए के अंदर हमारा जो डीएनए होता है उसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
इसके अंदर मान लो ये पेरेंट का क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर छोटा सा वेरिएशन मान लो यहां पे आ गया। सो यहां पे ये वेरिएशन आ गया, आगे का डीएनए फिर कॉपी होगा, उस डीएनए के अंदर कहीं और जगह पे वेरिएशन आ जाएगा, आगे आगे भी वेरिएशन आते रहेंगे, तो ये चेंजेस होती रहेगी धीरे धीरे, वेरिएशन के कारण वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब है इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन की इंपोर्टेंस क्या है। इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, जब हम कभी भी किसी के पेरेंट को उनके बच्चे के साथ देखते हैं, स्मॉल चाइल्ड हो चाहे कैसा भी हो, बर्थ होता है बच्चे का, तो हम बोलते हैं कि उसके जैसा है। व्हाई दिस हैपन, बिकॉज सम सिमिलरिटीज आर, जो इनकी कुछ एक सिमिलरिटी होती है, वो सम सिमिलरिटीज आर सिमिलर टू पेरेंट, कुछ एक सिमिलरिटी ऐसी होती है चाइल्ड की जो पेरेंट के साथ बिल्कुल सिमिलर होती है, और कुछ एक सिमिलरिटी ऐसी होती है जो पेरेंट से बिल्कुल नहीं मिलती होती, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, हमने ये जानना है कि वेरिएशन की इंपोर्टेंस क्या है। जब डीएनए कॉपी होता है, डीएनए कॉपिंग के दौरान क्या होगा, पेरेंट का डीएनए, पेरेंट डीएनए, मेल एंड फीमेल बोथ का जो डीएनए है वो कॉपी होकर ऑफस्प्रिंग के पास पहुंच जाता है, किसके पास पहुंचता है, ऑफस्प्रिंग के पास। पेरेंट का डीएनए कॉपी हुआ, किसके पास पहुंचा, ऑफस्प्रिंग के पास। तो करेक्टर किसके है ऑफस्प्रिंग के अंदर, पेरेंट की, ठीक है। तो पेरेंट के जो करेक्टर हैं वो उसको थोड़ा सा सिमिलर बना देते हैं, ठीक है, सिमिलर बना देते हैं, और किसके सिमिलर बना देते हैं, पेरेंट के सिमिलर, किसके सिमिलर बनाएंगे, पेरेंट के सिमिलर। अब इसके अंदर दो डीएनए हैं, किसके, मेल का एंड फीमेल का, मींस दोनों के डीएनए आए हैं। आगे भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ वी सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स को हम डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि मेल का डीएनए कितना आता है, फीमेल का कितना, ठीक है, क्रोमोसोम्स कितने आते हैं। सो फीमेल का और मेल का दोनों का डीएनए है, दोनों का डीएनए आने के कारण किसी एक का डीएनए होगा जो करेक्टर शो करेगा, एक्सपोज होगा, जो डीएनए अपने आप को एक्सपोज कर देगा उसके करेक्टर ज्यादा दिखेंगे, और दूसरे वाला जो एक्सपोज नहीं करेगा उसके करेक्टर कुछ कम दिखेंगे। अब जब बेबी बर्थ होता है, या तो वो पेरेंट के अंदर ज्यादा मिलता है, या फिर मदर के अंदर, सॉरी पेरेंट में फादर के अंदर ज्यादा मिलेगा, या फिर मदर के अंदर ज्यादा मिलेगा। सो दोनों के अंदर तो वो बिल्कुल नहीं मिल सकता, दोनों का केस अलग होगा, क्योंकि या तो फादर का डीएनए एक्सपोज होगा या मदर का डीएनए एक्सपोज होगा, तो दोनों के अंदर वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। सो करेक्टर दोनों के ही जाएंगे, दोनों के करेक्टर जाएंगे, तो वो क्या होगा, उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, मीन उसके करेक्टर होंगे जो वेरिएशन के कारण अलग होंगे, वेरिएशन आ जाएगी इसके अंदर थोड़ी, तो उसके जो करेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन क्यों जरूरी है, टू अराइज न्यू करेक्टर, एवरी टाइम न्यू करेक्टर को अराइज करने के लिए, हर टाइम पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो न्यू करेक्टर सामने आते हैं निकल के, तो न्यू करेक्टर को अराइज करने के लिए रिप्रोडक्शन को जरूरी माना गया। अराइज न्यू करेक्टर एंड जो एक प्योर लाइन बन जाती है, मान लो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, तो किसी के हेयर कर्ली, किसी के हेयर स्ट्रेट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग किसी की जो आईज होती है वो ब्लू होती है, किसी की आई जो ब्राउन होती है, सो इनके अकॉर्डिंग जो करेक्टर है आगे आगे आते चले जाते हैं, इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर आप आगे पढ़ोगे इसको, ठीक है।
तो वो प्योर लाइन को हटाने के लिए मींस जो प्योर लाइन नहीं बननी चाहिए उसके लिए कौन है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्योर लाइन नहीं बनती जिसके कारण क्या होता है वेरिएशन आती है। वेरिएशन के कारण हर बार जो कोई भी रिप्रोडक्शन होगी सेक्सुअल तो उसके अंदर क्या होगा रिप्रोडक्शन के अंदर करेक्टर्स न्यू अराइज होंगी जिसको हम क्या बोलते हैं वेरिएशन बोलते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक थी। आगे की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है तो सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।